नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के अद्वितीय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं 4.5 करोड़ उड़िया भाषा भाषी जनता की ओर से, भारत की सभी राष्ट्र प्रेमियों की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। आपकी समय हमारी उड़िया समाज की, उड़िया जाति की एक लंबे अरसे से, कभी कल्पना करिए, जो भाषा भारत की कुल 6 भाषा प्राचीन भाषा की मान्यता जिनको मिली है, संस्कृत के अलावा दक्षिण के 4 भाषा प्रांतियों भाषा के अंदर अगर 6वीं भाषा किसी को प्राचीन भाषा की मान्यता मिली, शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली, ऐसे उड़िया भाषा और उस उड़िया समाज की 73 साल के बाद भारत की राष्ट्रभाषा में उसकी परिचय ना हो, हम इसीलिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं आभार प्रकट करूंगा महता फाउंडेशन को, विशेष करके भरतोरी जी को और शंकरलाल पुरोहित जी को, उन्होंने ये कृति को हिंदी में रूपांतरित करने का मौका दिया। लेकिन मैं फिर प्रधानमंत्री जी के पास उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करूंगा कि 73 साल के बाद ऐसे प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा की कई सारे प्रथम कीर्ति स्थापित किए हैं। शायद पहला देश की पिछले दिनों में जिन्होंने भी जिम्मेवारी संभाली देश की, सबने उड़ीसा की चिंता किया होगा, किया भी है। लेकिन मैं खुले दिल से उड़ीसा की ओर ये कहना चाहूंगा, आजादी के बाद शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री होंगे जो उड़ीसा के बारे में इतना चिंता किया। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी की नव कलेवर में भारत सरकार की तिजोरी में कोई प्रधानमंत्री उड़ीसा को पैसा दिया तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा दिया। पद्म पुरस्कार, ये व्यवस्था बन चुकी थी, समाज की बड़े बड़ों को मिले, बड़े बड़े राज्यों के लोगों को मिले, लेकिन उड़ीसा के सुदूर कोई गांव में हलधर नाग जो चप्पल कोई पहना नहीं जिंदगी में, शर्ट भी नहीं पहना, ऐसे अनेक हलधर नागों को मोदी जी की शासन के समय में पहली बार स्वीकृति मिली, ना केवल पद्म पुरस्कार। उड़ीसा में कोई सामान्य नौजवान एक तटीय उड़ीसा में सिलू नायक करके कोई नौजवान कभी मिलिट्री में जाने के लिए कोशिश किया, जा नहीं पाया, आर्थिक दुर्वस्था से जा नहीं पाया, लेकिन सोचा मैं तो नहीं जा पाया लेकिन मैं मेरे युवा साथियों को तैयार करूंगा मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग में जाने के लिए। हमें किसी को पता नहीं, मैं तो स्वीकार करना चाहूंगा कि मेरे को तो पता नहीं था, ना महताब जी को उसके बारे में पता होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको ढूंढ निकाले। और उड़िया भाषा में कहा जाता है कि बण मल्ली बणरे रह जाए, जंगल में ही मल्ली फूल रह जाता है, उसको कोई ढूंढ नहीं पाता है। इसीलिए आज की किताब की विमोचन तक मैं उड़िया समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। आपने उड़ीसा की प्रति जो आपकी स्नेह है, जो उड़ीसा के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, उसको आपने निभाया, आज भी समय निकाला, हम आपके प्रति गहरे हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, डॉक्टर महता आजादी के तुरंत बाद और इसकी किताब की जब कल्पना किए, खारवेल जी कलिंग के युद्ध, 1804-1817 की लड़ाई और आजादी की लड़ाई और आधुनिक उड़ीसा की नई नींव रखने की जो कल्पना, इसको कभी सोचने से ये ध्यान में आती है, ये स्थानीय इतिहास को पहली बार डॉक्टर महताब जी ने
उसको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाए अंग्रेजी में अनुवाद करके, एक सिंक्रोनाइज तरीके से उसको, व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसको रखा। इसी को आज भारत में ज्यादा भाषा बोलने वाले डॉक्टर महताब, हिंदी के आज भारत में कई प्रांतों में एक विचित्र प्रकार की कॉम्पिटिशन होती है, हम हिंदी क्यों बोलेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी आपके इस कार्यक्रम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उड़ीसा की 5000 बुद्धिजीवी 31 स्थान पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिख रहे हैं, और हम कॉन्शियसली आज उसको हिंदी में कर रहे हैं। डॉक्टर महताब हिंदी के सबसे बड़े अनुजाई थे रिसेंट पास्ट में उड़ीसा में, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, हमें उस ग्लानी से मुक्ति होना ही पड़ेगा। हम अंग्रेजी कहेंगे कोई बुरा नहीं कहेंगे अंग्रेजी बात, और प्रधानमंत्री जी तो ऐसे ही एक नेतृत्व है जिन्होंने भारतीय भाषा को, ना केवल हिंदी, समूचा भारतीय भाषा को, अभी अभी जो आपकी अगुवाई में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, शायद आजादी के बाद पहली बार स्थानीय भाषा को इतने महत्व देने वाला कोई नेतृत्व रहा तो श्री मोदी जी का। और ऐसे ही एक संजोग है आज, ऐसे ही आज उड़ीसा की एक नई अस्तित्व, नई इतिहास के हम सभी लोग साक्षी बन रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी की कर कमल पे 21वीं सदी के जब भारत सब मिलकर, सुखद संजोग देखिए, कुछ ही महीना पहले प्रधानमंत्री जी ने देश की अमृत महोत्सव की श्री गणेश किया, आजादी के अमृत महोत्सव का श्री गणेश किया, महात्मा गांधी जी की 100 साल उड़ीसा आने के हम लोग वहां पालन कर रहे हैं, और कोशिश हुई आजादी की लड़ाई इस भारत की वीर गाथा को पर्टिकुलर एंगल से दिखने का कोशिश किया गया, दिल्ली में भी हुई, भुवनेश्वर में भी हुई। मित्रों, मैं आज फिर आप सभी का इस कार्यक्रम पे इसीलिए स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम, आज की 9 अप्रैल उड़ीसा की सामाजिक जीवन में सदियों तक एक नई परिचय खड़ा करेगा, ना केवल इस किताब के लिए, ये सिर्फ किताब नहीं है, एक बुद्धिमान, पराक्रमी, लड़ाकू, संवेदनशील ऐसे एक समाज की, एक भारत की, इस प्रकार के नेतृत्व के हाथ से आज स्वीकृति मिल रही है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में, और मेरे समाज को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की इस प्रवास में 21वीं सदी में उड़ीसा अपने स्थान और जिम्मेवारी निभाए, आप सभी को तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।